सो हे गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज का व्लॉग रहने वाला हमारा गोंद के लड्डू के ऊपर, जो कि मैंने प्रॉमिस किया था अपने घर पे बहुत ही ज्यादा जोश में कि विंटर्स स्टार्ट होते ही हम बनाएंगे गोंद के लड्डू। विंटर्स खत्म होने के लिए आई है, हालांकि सर्दियां जो है कुछ ज्यादा ही पड़ रही हैं, तो मैंने सोचा बना ही डालती हूँ, क्योंकि सुना सुना कर मुझे इन लोगों ने मजबूर कर दिया कि मैं बना दूं आखिरकार गोंद के लड्डू। तो चलिए, आज हम बना रहे हैं गोंद के लड्डू। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ, और यहाँ पर सभी का पार्टिसिपेशन रहने वाला है। कुछ काम कोई करेगा, कुछ काम मैं करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस व्लॉग को यहीं से। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सभी सामान जो है वो निकाल लिया। यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है शुगर, फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, फिर हमने लिया है घी, यहाँ पर मैंने लिया है गोंद, यहाँ पर कुछ सीड्स एंड बेरीज हैं, इसके अंदर हमारा है मंडवे का आटा जिसके हम बनाने वाले हैं। यहाँ पर मैं दो तरीके के बनाने वाली हूँ, एक मंडवे के आटे से और एक नॉर्मल आटे से। यहाँ पर हमने ली है कढ़ाई, यहाँ पर हमने ली है एक परात, और स्मैश करने के लिए हमने ये लिया है ताकि हम क्रश कर पाए सारे ड्राई फ्रूट्स को और गोंद को। उसके बाद यहाँ पर नॉर्मल आटा है जिससे दूसरे टाइप के लड्डू हम बनाएंगे। तो सारी चीज़ें सेम रहने वाली है, सिर्फ फर्क ये आएगा एक हमारे लड्डू होंगे मंडवे के आटे के से, क्योंकि मंडवे का आटा विंटर्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है, ये हेल्दी रहता है और गर्म होती है इसकी तासीर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो हाँ जी, आपका अपना क्या नाम है? नितिन। जो कुछ काम नहीं करते हैं, सिर्फ यही काम करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले गोंद का लड्डू बनाने के लिए हम डालेंगे ढेर सारा घी, और ये घी जो है घर का बनाया हुआ है माँ के हाथों का। इसलिए आपको ये घी दिख रहा होगा, मेरी जैम की बोतल में जो हम खा चुके हैं जैम, उसमें मेरी मम्मी ने घी रख दिया है। और घी हमने इसलिए बनाया ताकि ये और मोटी हो जाए जैसे पहले ये है। सिर्फ अकेले मैं ही यहाँ पर मोटी हो रही हूँ। हाँ, तो बाकी सब तो पतले हैं हमारे घर में, ये छूट नहीं रहा है। तो घी निकालने में सर्दियों में इतनी आफत आती है, घी और नारियल का तेल, जैसे कि मुझे तो बहुत आलस आता है। अगर मेरे द्वारा कोई इंसान है जो मेरी तरह है, नहीं वो सिर्फ तुझे ही आलस आता है क्योंकि तू ही आलसी है सबसे ज्यादा। मुझे लगता है ये तो नॉर्मल चीज है, सबको ही आलस आता है इसमें, रहने दे। तो मुझे लगता है मुझे ये पहले निकाल के रखना चाहिए था कटोरी में। इट्स ओके, हम ज्यादा बर्तन नहीं करेंगे क्योंकि हमें आलस आता है बर्तन धोने में। और बर्तन धुलवाती किससे? मेरे से, आप लोगों को बता दो। शक्ल शक्ल दिखा दे अपनी, ये बात बोलते हैं। अगर मेरी मम्मी ने अभी सुन लिया भाई, इतना घी जा रहा है बताऊं अभी बाहर? बहुत ज्यादा घी जाएगा इसमें भाई, सारी मेहनत खराब कर देगी। तू इतने दिनों की मेहनत माँ की जो घी बनाया है, तो माँ ने ये स्पेशली गोंद के लड्डू के लिए बनाया। मम्मी ने ये घी 1 महीने से बना के रखा है क्योंकि मुझे इसमें ड्राई फ्रूट्स जो है वो सारे फ्राई करने। भाई टोले बहुत ज्यादा हो रहा है एकदम, तो ये हेल्दी तभी तो बनेंगे। हेल्दी बन जाएंगे तो इससे? मैं हेल्दी खानों में खाने में बिलीव करता हूँ। कि आप देख सकते हैं ये महंगी महंगी सारी चीजें हमने खोल ली है। ये है बादाम। ये देखिए, जो काम नहीं करता, मतलब एक एक सेकंड नहीं लगा होगा मुझे इसको गलत बोलने में, पर वही है ना। यहाँ पर मैं डालूंगी ड्राई फ्रूट्स। ओ भाई भाई, और आप ये ना सोचे कि ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी क्या रखनी है, इसमें कोई क्वांटिटी नहीं है। मतलब इसमें बिना सोचे क्वांटिटी डालनी है तो ही बढ़िया बनेगा, क्योंकि इसके हाथ में कोई जादू नहीं है। जितना आपका मन आए उतना डालिए, उतना खाइए। और ये इसमें पिस्ता भी जा रहे हैं। भाई 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 भाई, और ये पिस्ता छिलने में मैंने मेहनत करी है तो टेस्टी तो बनेगा। मैं थोड़े से रख रही हूँ साइड में क्योंकि इतना ज्यादा पिस्ता हम नहीं डालेंगे। तो ड्राई, और ये देख सकते हैं आप, ये हमने चीनी पीस के रख लिया ना, चीनी ने। ये और मैं ये हो गए हमारे, ये आपको रिपीट करके दिखाएगा, ऐसे इसे बहुत नॉलेज है, और ऐसी कोई नॉलेज मुझे ही सारी नॉलेज है भाई। तो बस हम इसे हल्का सा जो है ड्राई फ्रूट्स को जो है रोस्ट कर लेंगे, और इतनी अच्छी स्मेल आ रही है। ये स्मेल तो मेरे सारी है, मैं ना क्या हूँ तेरी तरह थोड़ी। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। और घी की इतनी ज्यादा अच्छी स्मेल आ रही है ना, एकदम घर का ही होता है ये तो है, इसमें अलग ही स्मेल आती है। तो इसे बनने में कितना टाइम लगेगा? लगभग लगभग जल्दी से खा ले हम इसे। आधे 1 घंटे का काम है, जितनी जल्दी तुम लोग काम करोगे। बस आधे 1 घंटे का काम है, और इसे 5 मिनट में पा देना खा के। ये लोग इसे क्रश कर पाएंगे उतनी जल्दी ये बन पाएगा। मतलब ये देख लो, जो आसान काम है सिर्फ भुनने भुनने का, वो एक खुद कर रही है। आटा भुनना है सबसे डिफिकल्ट काम। तो ये एंट्री हो चुकी है अपनी भी वीडियो में, क्या बोलते हैं पब्लिक? अरे वही आपको सबसे आलसी इंसान जो हमारे घर पे है। आलसी इंसान नहीं, सारा काम करके इसको यूं दे दिया, बस इसमें यूं डालना है, दे दिया इसमें।
और एक बात का ध्यान रखे, लड्डू बनाते हुए जो गैस है ना वो बिल्कुल एकदम नॉर्मल सिम जो होता है वो उसको वैसे रखना है। ये ऐसे वो दे दी नीचे, पता नहीं कहाँ से जैसा सिक्का आई हो, बिल्कुल सेफ पड़ी। नहीं हूँ मास्टर शेफ, नेक्स्ट मास्टर शेफ मैं ही बनूंगी। रहने दे, तो चलो फिर। और ये देखो, जिन्होंने बोला था कि हम मेहनत करेंगे, काम करेंगे, यहाँ सो रहे हैं मस्त अपना आराम से। और सबसे ज्यादा जिन्होंने वो बताया था, ये देखो यहाँ लग चुका गद्दा और सो चुके हैं बिल्कुल, है ना। हाँ बोल रहे हैं, मतलब आवाज आई है हाँ की थोड़ी। तो हमने रोस्ट करके इनको निकाल लिया है, मतलब मैंने निकाल लिया है रोस्ट करके। देखिए कितने बढ़िया से रोस्ट करें, और ये कुछ काम के ना होते हुए भी जो आपको बड़ा सेटिस्फाइंग फील हो लगेगी, ये आई थिंक गरम हो गया, फोन डाल देंगे थोड़ा। भाई ये तो चीनी के वो लग रहे हैं बड़े-बड़े टुकड़े से, आई थिंक घी मुझे थोड़ा और डालना पड़ेगा। तो मैं दिखा देता हूँ, ये वो लग रहे हैं जैसे क्या बोलते हैं नमक होता था ना, नमक गाँव में नमक होता है, सेम वैसे लग रहे हैं। नमक वैसे ही होता है। हाँ इसे ज्यादा पता होगा, इसे हर चीज का पता है, ये तो ज्ञानी है हमारे घर में। सी ये वाली जो चीज है क्या, ओ भाई 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 भाई, भाई, भाई। ये तो वैसे हो रहे हैं जैसे वो जो वो होते हैं, हाँ ऐसे होता है वो। पर मैंने ये खा के देखा भाई, बिल्कुल टेस्ट नहीं है इसमें, तो ना मीठा है ना नमकीन है, तो ये टेस्ट नहीं होता है, टेस्टलेस होता है बस ये। मतलब तेज है ना, क्रंच फ्लेवर देता है, मतलब तेज है ना। और ये देखिए कितना अच्छा सा हुआ है मेरे भाई, भाई मजा आ गया भाई। बस अब हम इसे थोड़ा ब्राउन कर लेंगे ताकि, और मीठा हम इसमें बिल्कुल ठोक के रखेंगे, मीठे की कमी नहीं चले। नहीं हम ठोक के रखेंगे, मीठा हम कम रखेंगे। अच्छा तेरे बोलने से भाई हम बना रहे हैं, हम बना रहे हैं और देख लो बातें, हम बना रहे। कितनी देर भुनना इसको, बस ब्राउन होने तक भुनेंगे। देख लो ये, देख लो ये, देख लो दिखा दिया मैंने, ये उठा के डाल लिया यहाँ गिरा दिया। अच्छा मेरे हाथ में देख लो। हम करते करते हम थक गए हैं, तो हमें जरूरत बढ़ गई है कुछ खाने की, तो हम ये थोड़ा सा चख लेते हैं बेरीज वगैरह, दिखाता हूँ आप लोगों को बेरीज। और ले लेती हूँ भाई साहब, पूरा घी का मामला जो है बिल्कुल सेट होने वाला है, मतलब घी हो जाएगा। लड्डू घी में बनते हैं, ये पहली बार देख रहा है ना लड्डू बनते हुए, लड्डू बनते हुए पहली बार देख रहा हूँ। और ये पता नहीं मैंने क्या उठा लिया, पर जो भी है ये ड्राई चेरीज है, ये तो आमले की तरह लग रहा है। सीरियसली खा कुकरी ऐसे ही बोलता है, है तो टेस्टी यार। भाई क्यों रुक जा, तो यहाँ पर मैं थोड़े से इन्हें भी ड्राई कर रही हूँ, मतलब इन्हें भी भून रही हूँ। वैसे आप चाहें तो आप सिर्फ सीड्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे थोड़ा सा लड्डू में टैंगी फ्लेवर भी पसंद है, क्योंकि हम किशमिश वगैरह नहीं डाल रहे, तो हम इन्हीं को थोड़ा सा घी में वो कर लेंगे। तो ये मतलब तू अलग बना रही है कुछ, हाँ, ऐसे नहीं बनते, ऐसे नहीं बनते, मतलब सीड्स तो डालते हैं, बट मतलब ये बता रहा हूँ मैं, ये लड्डू का कर देगी बिल्कुल बेड़ा कर। लोग चेरीज नहीं डालते, बट तो हम क्यों डाल रहे हैं चेरीज, हम अलग है, क्योंकि मुझे पसंद है चेरीज। भाई ये क्या बात हुई, जो चीज वैसे बनती नहीं है उसको वैसे बना रही है यार। तो मुझे पसंद है तो दिख रहा है, खाया जा रही है कुछ भी, और मुझे मना कर रही है, हम भी खाएंगे थोड़े सी, इन्हें इतने सारे खा लिए। और ये ब्लैक वाले क्या है भाई, हाथ फंस गया, देख लो हाथ फंस गया, ये देखो हाथ फंस गया। तो बस इन्हें ना मैं छोटा छोटा पीसेज में करके, और फिर हम इन्हें लड्डुओं में मतलब मिक्स करेंगे, इनको हम कट करेंगे छोटे छोटे पीसेस में। यहाँ पे ले लिया थोड़ा सा घी, और ये घी हो गया हमारा गरम, तो हमने जो आटा लिया है इसे हमने छान के लिया है। और यहाँ पर अगर आप वो वाला आटा ले, एकदम जो बारीक वाला होता है वो नहीं, हमारे पास वो नहीं था, लेकिन जो मंडवा है हमारा जो मैंने आपको बताया था वो हम एकदम वैसे ही वाला लेंगे, दरदरा टाइप। तो ये वाला आटा तो हमारा पैकेट वाला ही आटा हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वैसा आटा है नहीं, इतना टाइम नहीं कि अब हम वो वाला आटा ढूंढने जाए। तो इसको फिर कब तक भूनना, मतलब बस अब इसको हम ब्राउन होने तक भूनेंगे और बाकी काम शुरू करते हैं, इनको वो करने का, हाँ इनको बिजी रखने का, हमें दे देगी अब ये कूटने के लिए, और दिखाएगी कि मैंने बनाया है। दिखाएगी क्या मैंने बनाया, दिख रहा है तो मैंने बनाया। हाँ हम तो मेहनत ही ना करें ना कुछ, हम तो यहाँ पे ऐसे खड़े हैं। और ये ना आटा जो है ऐसे ये ड्राई होता जाएगा, तो इसमें पानी डालते रहना है। अच्छा घी डालते रहना है, पानी नहीं डालता लड्डू में।
मैं हलवे पे पहुंच गया शायद, हलवे पे मैं धीरे धीरे पहुंच गया। हलवा जल्दी बन जाता है, हलवे में पानी डाल के हलवा बना देते हैं, सर्दियों का टाइम है तो आटे को एकदम ब्राउन होने तक हम भूनेंगे। अच्छा। और घी की जितनी नीड होगी हम उसमें डालते जाएंगे एड ऑन ऊपर से। तो अब मैंने जो इनको कूटने का काम दिया मैं आपको दिखा देती हूँ कि कूटने का काम कहाँ तक पहुंचा है। तो चलिए मेरे साथ, इन दोनों की बातें चल रही हैं कुछ। मैं कह रहा हूँ ऐसी खा लेते हैं, हमारी सेहत बन जाएगी। हाँ हाँ, सामने दूसरा बंदा तो सुद्धी है। सुद्धी की क्या बात है? तो इन दोनों को मैंने काम में लगा दिया है भाई। इन दोनों को काम पे लगा दिया और मैं फ्री घूम रही हूँ। मैं अपना आटे का वो छोड़ कर आई हूँ अंदर काम। ये लो इसमें ना हाफ ऑफ कर देना। क्या मशीन में कर ले ये सामान? तो ये बता मुझे, ये सारा इसमें डालना है क्या अलग अलग? दोनों को मिक्स करके एक कोदे वाले के लिए और एक उसके लिए। हाँ कौन से तीन है? तो भगवान कहाँ है तू? दोन मम्मी कर दियो मोहे मोहे तो चलिए इन दोनों को काम पे छोड़ देते हैं। अभी तक इन्होंने कुछ भी ना करा है। अगर इस शोर से यहाँ मेरे पापा की निंद्रा खुल गई तो फिर तू यहाँ से सीधा खिड़की से बाहर आउट। तो चलो इनको छोड़ देते हैं। मैं अपना लड्डू बना रहा हूँ, वैसे भी खुश होंगे, नींद में भी सब तू थोड़े। तो चलिए चलती हूँ मैं अंदर की तरफ। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो आटा है वो भून लिया है और आटा जो है बिल्कुल एकदम ब्राउन जो है वो हमारा हो गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट जैसे हमें आटा चाहिए वैसे हो गया है। तो अब मैंने यहाँ पर आटा जो है मैंने भून लिया है। आटे के मैं ज़्यादा नहीं बना रही, तो आटा मैंने थोड़ा सा भुना है। लेकिन अब यहाँ पर मैंने कोदा जो है इसको मैं भूनूंगी और इसको भी हम सेम भुनेंगे, जितना घी लगेगा उतना घी डालेंगे। तो एक कटोरी घी तो मैं अभी ऑलरेडी इसमें डाल चुकी हूँ, अब आगे देखते हैं कितना और लगता है। तो अब आप देख सकते हैं जो कंसिस्टेंसी है वो इसकी एकदम ऐसी हो गई है जैसे हमें चाहिए। तो बस अब ये हमारा अच्छे से भुन गया है, तो हम इसे बंद कर लेंगे और अब हम बनाएंगे लड्डू। तो चलिए आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो ये दोनों का काम जो है हो चुका है लगभग। यहाँ पर मैंने आटा और कोदा जो है वो करके रख दिया उधर आधा, और ये इधर, और ये हो गया है। तो चलिए अब बना लेते हैं फटाफट से लड्डू। मेहनत माँ सिर्फ दो ही लोगों ने करी, एक माँ ने और एक मैंने, है ना? ये तो खामा का। और ये देखो भाई, ओए 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 ओए, ये तो यूं मन कर रहा है कि इसमें ना बस चीनी डाल के और खा जाओ। अच्छा चीनी भी आई है। तो अब क्या करेंगे टोली? तो अब इसका संगम इसमें होएगा, फिर इसका संगम, इन दोनों का संगम इसमें और इसमें होएगा ना। मिक्सचर मतलब इनको मिक्स कर देंगे। ओहो भाई कितनी बारीकी से, ये देखो ये टैलेंट होता है कुछ ही लोगों में। हाँ ये देखो बारीकी देखो। ये माँ माँ छोड़ दी है वाला पीस है, ये माँ ने छोड़ा है। अच्छा और क्या, वैसे चाय मैंने तो सारे बारीकी से करे थे। हाँ इसमें हमारे हाथ का जो वो आया ना, ये क्या बोलते हैं हाथ की मेहनत। किसमें? अच्छा तुम सेफ से ज्यादा जानते हो? ये हो गए हमारी सेफ पंकज और ये हो गई हमारी ये लोकल सेफ है। इसमें जल्दी हो जाता फटाफट, मोटे मोटे भी। और ये देखिए बिल्कुल बारीकी से काटा जा रहा है हमें, इतने बारीक। तो मैं कह रहा हूँ पता मशीन में भी ना कटते जितने हम काट रहे हैं, और फिर भी इसे हमारी कदर ना है। क्योंकि मुझे अगर सारी चीजों में हाथ लगाना पड़े तो कदर क्या। रहने दे तुम्हें सही काम करना होता है। ये देखो चेरी भी नहीं काटी माँ, चेरी का काम तो यार माँ किसका था चेरी का काम? तो तूने अपना काम भी तो नहीं कराई। कौन सा? बादाम वाला। बादाम वाले सारे काट दिए मैंने, ये देखो सारे बादाम कट गए हैं। सफेद वाले बादाम हुए हैं, सफेद वाले बादाम नहीं होते, नहीं होते। काजू होते हैं सफेद वाले, मैं यही चेक कर रहा था। अब इस वाली थाली में मम्मी आटा निकालो।
माँ ये सारा काम हमसे करवा रही है और फिर बोल रही है कि ये बना रही है। टैलेंट। ये टैलेंट इसी पे क्यों आया हमारे घर में? खुद काम कम करती है, हमसे ज्यादा करवाती है। इतना कुछ भी काम ठीक से नहीं करा, इतना तो मैंने काट दिया। और ये तो मुझे करना था, ये सब कुछ कर करके इसने कर लिए मुझे। इसे करने में ही तो मजा आना था, यूं मिलाने में। टोले भाई सही से कर, टोले भाई नहीं नहीं नहीं, नहीं तू गिराएगा मुझे लग रहा है। तुझे काम करने का ना वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, है को तो सगोन नहीं आया बस। क्या बोलते हैं उसको, इसको काम करने का एक वो था ना, है लो। क्या बोलते और ये बाय बाय। इस सीन के लिए तो बहुत टाइम से वेट कर रहा था मैं। इनको अच्छा से मिला। और जो इन लड्डू के लिए बिल्कुल इच्छा जाहिर कर रहे थे वो सबसे पहले सो गए। इनको नींद आ चुकी है। और ये वाला हो गया है आटे में, और ये वाला हो गया है मनवे के आटे में, है ना? हम चूना कहते हैं, चूना चूना। और ये मुझे क्यों लग रहा है कि चूना ही लगा रही है हम पे, कि सारा काम हमसे करवा रही है और खुद मजे कर रही है। बस अब हम बना बना के इसी परात में रखते जाएंगे। मीठा तो पहले इसको मिला, मीठा ये शुगर फ्री बना रहे हैं हम इसमें। और ये हम ये तो वैसे ही मीठा होता है, थोड़ा मीठा डाल दिए। देख रहे हो मेरे बिना तो काम हो ही नहीं सकता है ना इनका, मेरे बिना कैसे काम हो जाएगा? क्यों भाई बाय बाय। ज्यादा मीठा नहीं, मुझे लग रहा ठंड से मीठा भी जम गया, नीचे नहीं गिरा है ना, जम ही गया। करना बहुत होगा इससे ज्यादा है। बाय, देख लो अब इसको ऐसे मिलाया जाएगा बराबर मात्रा में। मीठा मुझे लग रहा है कम हो जाएगा। ज्यादा मीठा नहीं, थोड़ा थोड़ी। तूने इसमें इलायची डाली है, इलायची का फ्लेवर अच्छा होता है ना। इलायची का पाउडर नहीं तो, पाउडर नहीं तो इलायची डालती कूट के। इलायची तो है माँ, मैंने इसको पहले ही बोला माँ, ये पता है इसने क्या बताया मेरे को कि इसमें ये सब भी नहीं पड़ता है और ये सब डाल लिया। उसका जैसे इसमें तूने पानी डाला ना, उस पानी को उसमें डाल देती। पानी का डाला ये। देखो अब दो शेफों के बीच में बात हो रही है। मैं बता रहा हूँ माँ, इसने वो जो बोतल थी ना जिसमें घी रखा था बनाया हुआ, इसने सारी खाली कर दी बोतल वाला। हाँ है, अरे दिल तो बहुत बड़ा है भाई अपने लोगों का यार। मुझे लगा था ये मैं बता रहा हूँ, ये अभी सिर्फ कैमरे के सामने बोला गया है। अभी डिब्बे का भी निकाला तूने ऊपर का? हाँ, दो तीन चम्मच बस। सब बताएगी तो फिर घर से बाहर हो जाएंगे रात में ही। और ये लड्डू बनना हो चुके हैं स्टार्ट। बस इनको थोड़ा ऐसे थोड़ा सा हल्के हाथ से बनाते रहिए। और लड्डू गोल होते हैं माँ, ये चकोर से बनने हैं वो है ना, देख बने हुए। और ये बने हुए देख, दोनों डालेंगे। चल वो तो हमारा टैलेंट है, तेरा क्या टैलेंट है? तूने कितना बना दिया अभी तक? बस मिलाया जा रही है इसको, बस इसे सी में मजा आ रहा है। ये लगी है। तो मैं कितने लड्डू बनेंगे इसमें? और मैं सही बता रहा हूँ, जितना टाइम इन्हें बनने में लगा ना, उसका 1% भी इन्हें खाने में ना लगने का, उससे पहले गायब होंगे ये। इन लड्डू के कंपैरिजन में ये लड्डू देखिए आप लोग। ये राक्षसों के लड्डू बना रही है क्या? हाय यार भाई साहब, ये होते हैं लड्डू और ये हैं डड्डू। इतने बड़े बड़े बना रही है भाई। तुम एक ही खाओगे दिन में, वो तुम दो चार खा लोगे। वो भी अपने हिसाब से ठीक कर रही है वहां। तो ये देखिए अब हमारे जो लड्डू हैं वो बन के रेडी हो गए हैं। ये 20 से 25 से ज्यादा ही बन गए हैं, पता नहीं।
लेकिन इतनी क्वांटिटी हमने बना ली, अब हम इन्हें फ्रिज में रखेंगे और ये सेट हो जाएंगे। और बाकी मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर दो छोटे छोटे लड्डू बनाकर हमने मंदिर में रख दिए हैं, तो पूजा होगी सुबह तो बस यहीं पर पूजा होकर ये भगवान जी को भोग चढ़ जाएगा। तो चलिए इस व्लॉग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए बाय बाय।